हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड, आपका अपना डॉक्टर अनुराग प्रसाद, एमडी इन पीडियाट्रिक्स फ्रॉम दिल्ली, आपके सामने आज लाया हूं आज के सबसे हॉट टॉपिक, दैट इज स्वाइन फ्लू वैक्सीनेशन इन कोविड-19 पैंडेमिक। लेकिन इसके पहले एक बात आप लोग जान लीजिए, अगर आपने स्वाइन फ्लू वैक्सीन लगवाया है इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोविड-19 डिजीज नहीं होगा। सेकेंडली, अगर आपने कोविड-19 वैक्सीन लगवाया है इसका ये मतलब नहीं है कि आपको स्वाइन फ्लू डिजीज नहीं होगा। तो अब आपके ब्रेन में एक ही क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर ऐसा है तो फिर महाराष्ट्र में स्पेशल टास्क फोर्स एंड पीडियाट्रिक टास्क फोर्स ने क्यों बोला है 5 ईयर्स के नीचे हर बच्चे को फ्लू शॉट लगाने के लिए, पहली बात। एंड दूसरी बात, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो हमारी IAP गाइडलाइन है वो भी कहती है कि हर वो बच्चे जो 6 महीने से 5 साल के बीच में है उनको फ्लू शॉट का एक डोज लगनी चाहिए। आखिर क्यों, क्या कारण है इसका? सबसे पहली बात, जिन बच्चों को फ्लू वैक्सीन लगा होगा उन बच्चों में रेट ऑफ निमोनिया बहुत कम होगा, प्लस फ्लू रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम पाए जाएंगे क्योंकि फ्लू अपने आप में एक डेडली डिजीज है। दूसरी बात, इन बच्चों में रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कम होगा, हेल्थ केयर वर्कर्स पे बर्डन थोड़ा कम आएगा। तीसरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, जस्ट अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा भारत की क्या स्थिति हो गई थी सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक में। तो जस्ट आप इमेजिन कर देखो, अभी मानसून सीजन में स्वाइन फ्लू डिजीज अपने पीक पे होगा, एंड अगर थर्ड वेव ऑफ कोरोना वायरस बच्चों में इस समय आता है तो भारत की क्या स्थिति होने जा रही है। तो हमारे पास एक ऑप्शन ज़रूर है कि हम लोग अपने बच्चों को एटलीस्ट स्वाइन फ्लू से बचा कर रखें। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन है, हर वो बच्चे जो 5 साल से एंड 6 महीने के अंदर हैं, प्लीज़ उनको एक फ्लू शॉट लगा कर आओ आप। थैंक यू।